और वली किसको कहते हैं, मैं अभी लेकर आया था वली की 31 तारीफात, बुनियादी तौर पर वली की 31 तारीफ। इन 31 तारीफात में जो सबसे मुश्तरक तारीफ है ना, वो तारीफ आज आप समझिएगा, मुआशरे में हमारे में तो आटे में नमक से कम ऐसे मिलेंगे, नमक से कम पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूं आपको, हैं छुपे हुए हैं, हैं बिल्कुल हैं लेकिन छुपे हुए हैं। वली उसको कहते हैं जिसने खुदा के लिए अपने आप को फना कर लिया, उसकी अपनी ख्वाहिश कुछ ना हो, कोई ख्वाहिश ना हो उसकी, उसको कहते हैं वली। अच्छा, वो उसका अब ख्वाहिश, उसकी तलब, उसकी तमन्ना, उसकी तड़प, उसका अपना आप अपनी हैसियत वो खत्म कर देना, जिस दिन बंदा अपनी हैसियत खत्म कर देना उस दिन विलायत शुरू होती है। तो हमारे यहां जितने भी पीर है ना, खुदा के लिए मैं अर्ज करूं, ये जो जिनको हम औलिया मान रहे हैं ना 15वीं सदी के अंदर, खुदा रहा समझिएगा, क्या दरबार, क्या मजार, क्या जिंदा वली। आटे में नमक में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, हैं औलिया लेकिन छुपे हुए हैं, खुदा ने, खुदा की हिकमत है, जब कोई चीज बेकदरी हो जाती है ना तो खुदा छुपा देता है, वरना वली आज भी हैं, आज भी बड़े बड़े औलिया हैं, आज भी बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं लेकिन छुपे हुए हैं, बजाय नहीं है, लेकिन जो बजायर हैं वो चर्सी है, बंगी है, ट्रक वाला है, ट्रैक्टर वाला है, कुत्ते वाला है, फलाने वाला है, ढिमाक वाला है, ये वाला है, ये चल रहे हैं हमारे यहां माशरे में। खुदा के लिए विलायत का मफहूम ये नहीं है, विलायत का मफहूम तो यह है कि इबादत कर करके, सजदे कर करके, तकवा परहेजगारी कर करके, खुद खुदा ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाता औलिया कौन, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ, खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता ना कोई गम होता, अल्लदीना आमनु वकानु यत्तकून, ये वो लोग है कि जो ईमान लेकर आए और तकवा इख्तियार किया। तकवे का मफहूम अगर समझ लू ना, एक जुमले में इमाम गजाली ने तकवे का मफहूम लिखा है कि तकवा उसको कहते हैं जो खुदा को पसंद हो वो तुमको पसंद आ जाए, जो खुदा को पसंद है ना तुम अपनी पसंद को खत्म कर दो खुदा की पसंद पर, जो बंदा ये काम करे तो अल्लदीना, अल्लदीना आमनु वकानु यत्तकून में दाखिल है, वो मुत्तकी है विलायत की दुनिया में, वरना मुत्तकी की तारीफ है ऐसी, कुफर से बचना भी तकवा है, फलाना गुनाहों से बचना भी तकवा है, लेकिन विलायत का मफहूम जो है, इस विलायत के मफहूम के अंदर जो खुदा की चाहत हो वो बंदे की हो जाए तो वो मुत्तकी है, वो मुत्तकी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, इन्हें दुनिया और आखिरत में खुशखबरी है इन औलिया को। अच्छा, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, एक बात याद रखना, दिमागों में ये ले आना कि अल्लाह ने निजाम क्यों बनाया, परवरदिगार आलम ने ये सिस्टम क्यों बनाया, क्यों बनाए गौस, क्यों बनाए अब्दाल, क्यों बनाए रुजबा, क्यों बनाए औलिया, क्यों बनाए अतकिया। इन औलिया किराम के तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम नहीं बदलता, तुम लाख बोलो कि बस खुदा के अलावा कुछ नहीं है, निजाम खुदा ने बना दिया, और जब निजाम खुदा ने बनाया है ना तो ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, फिर ये निजाम बदलेगा नहीं, क्योंकि बनाने वाला खुद खुदा है। ये मकाम, ये मर्तबे, ये रितबे, ये जो मकामात अता किए, खुदा ने जब निजाम बनाया तो ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात कभी नहीं बदलते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। अब ये बड़ी ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये दो किस्मों पर है, ज़ालिका हुवल फौज़, ज़ालिका का मुशारुन ले क्या है, इस इसमें इशारा का मुशारुन ले क्या है, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। अब दो जुमले लिखे किताबों में, पहला जुमला ये लिखा है जालिका का मुशारुन ले वो लोग हैं कि जो अल्लदीना आमनु वकानु यत्तकून पर हैं, औलिया हैं, ये बड़ी कामयाबी है वली बन जाना, अल्लाह का वली बन जाना ये बड़ी कामयाबी है, मतलब कामयाब हो जाए जब खुदा का दोस्त बन जाए। और जालिका का मुशारुन ले दूसरा जो किताबों में लिखा है का वो तो कामयाबी है, उनको तलाश करने वाला जालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम, जो उनको तलाश कर ले वो भी फौजुल अजीम है, ये बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है, उनको पा लेना, उनको तलाश कर लेना।